आई वुड टेक क्वेश्चन जी. मैं आप सबसे पहले सवाल लूंगा, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में सवाल नहीं लिए थे. सो आई वुड टेक गिव यू 10 मिनट्स टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. आप मैकियावेली के हवाले से. असजद इज अनम्यूट. असजद म्यूट कर दें अपने आप को. अच्छा असजद नाम का कोई भी नहीं है आसान. अच्छा रिमशद, थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स बेसिकली आइडिया ये था दैट बेसिक असद. अच्छा असद. अच्छा बेसिक क्वेश्चन ये था पावर पॉलिटिक्स का कि जो मैकियावेली का ये ख्याल था दैट द रूलर मस्ट गवर्न अकॉर्डिंग टू हिज ओन पावर एंड ही शुड नॉट रिलाय ऑन द डिवाइन पावर. इज the ruler, the prince must govern based on his own power, his own influence, his own rationality, his own tactics, his own deception, his own bravery, but not rely on the source of the pope. ke pope kahe ke badshah ke paas khuda ki power hai, khuda ne isko choose kiya hai, us pe rely karne ke bajaye he must have his own power. ye basic concept hai theory of power politics. और उसी के लिए वो अपनी पावर कैसे इस्तेमाल करेगा, कभी डिसेप्शन से, कभी फियर से, और वो जो सारी चीजें हमने बताई हैं टैक्टिक्स एंड ऑल दैट, उस तरह से वो कर रहा होगा. दैट्स बेसिक आइडिया. अब्दुलरहमान, व्हाट आई टीच इज इनफ, माय आइडिया इज इनफ, बट यू नीड टू रीड ऑन द सेम आइडिया फ्रॉम द बुक. जी दैट्स ट्रू. लेकिन जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, जैसे हम अरिस्टॉटल की बात की है, स्टेट की और क्लासिफिकेशन की, वो जितना लिखा हुआ है पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे आप. साथ मॉन्टेस को हम डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, इनडायरेक्टली पढ़ेंगे जब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके अंदर जाके मॉन्टेस को डिस्कस करेंगे. वी विल डू दैट बट इन दैट कॉन्टेक्स्ट लेटर ऑन. वो बिल्कुल आखिरी कोई एक हफ्ता होगा, जो आखिरी 8-10 लेक्चर रह रहे होंगे, तो उसको करेंगे. मर्सनरीज का कॉन्सेप्ट ये था दैट. अच्छा कोशिश कीजिएगा प्लीज क्वेश्चन पब्लिक कर दें ताकि क्वेश्चन सबको समझ आ जाए ना, वरना समझ नहीं आती कोई आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, मैं जवाब क्या दे रहा हूँ. तो इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज, अगर क्वेश्चन पब्लिक कर दें सारे, चैट जरा बड़ी करना. ओके, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सनरीज, फायदा का सवाल था. मर्सनरीज जो है दे आर पेड मिलिट्री. ये वो लोग हैं जिनको पैसे दें तो आपके लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर दोबारा पैसे किसी और मुल्क पैसे देगा तो वो किसी और के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे. इस तरह के लोगों को हम मर्सनरीज कहते हैं. आसान देसी लफ्जों में हम दे सेल द सोर्स, एग्जैक्टली उजरती कातिल जिसको आप कह सकते हैं. आगे करिएगा. मरियम अफरीदी का सवाल है, चलिए मैं इसको पढ़ लेता हूँ ऊपर. सर यू टोल्ड अस दैट पोप वांटेड अ डिफरेंट इटली सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट, बट कांट दे गेट देयर इंटरेस्ट इफ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ दैट टाइम इन इटली. अच्छा सवाल ये था मरियम का कि सवाल ये था उनका कि अगर पोप का इंटरेस्ट ये था कि इटली डिसयूनाइटेड रहे, तो उनका सवाल ये था कि अगर वो यूनाइटेड हो जाएगा तो क्या पोप के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगी उनकी. तो मेरा सवाल ये है, अपील है सर, थैंक यू. पहले पीनी नहीं हो रही, थैंक यू थैंक यू. अच्छा उसमें इशू ये था कि अगर स्टेट्स डिवाइडेड होती हैं तो वीक होती हैं, और वीक को असिस्टेंस चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है फ्रॉम समबडी बिकॉज ही इज वीक. बट इफ यू आर मल्टी सिक्स स्टेट्स एंड यू आर ऑल टुगेदर, यू आर यूनाइटेड. यूनाइटेड का मतलब है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, योर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. इफ यू आर ऑलरेडी स्ट्रांग इनफ, Why would you need God's help? That's the idea. तो उसका ख्याल था कि पोप समझते हैं कि आप डिवाइडेड रहेंगे तो आप वीक रहेंगे, अगर आप वीक रहेंगे तो आपको फिर किसी की हेल्प चाहिए, who could give help to you against your enemy, and that help comes from divine. At least पोप यही समझते हैं. लेकिन अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो ऑलरेडी पावरफुल होंगे, they won't need some other power. That's true, Harim, true. जरा चैट ऊपर कीजिएगा. चैट थोड़ी सी और कीजिएगा. मॉन्टेस खुद से करने की जरूरत ऑब्वियसली करेंगे जी आप लोग, मॉन्टेस को करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बस ठीक है. अच्छा हसान, मैं अभी पॉइंट लिखवा देता हूं मैकियावेली के, पॉइंट कैसे मॉडर्न दौर से रेलेवेंट है, क्रिटिसिज्म भी और रेलेवेंट पॉइंट आपको करने चाहिए. मॉडर्न दौर से मैं लिखवा देता हूं, अभी 2-3 पॉइंट अभी ऐड करवा देता हूं. नीचे आइए.
Which book do you recommend? Yours, Ajud Harman's Rai Mustafa. If you want to have the basic understanding and you are having a difficulty in understanding the advanced language and expression, then go for my book. But if you can understand a good, excellent expression, go for Jude Harman's book. Upar ek sawal tha, ek chat kar lijiye. Ek thoda sa upar. Bas. Is it correct to call Machiavelli citizen of all states and country of all ages? Sir, how to handle this question? Abbas, basically, iska sawal ka maqsad ye hai ki Machiavelli ki theory hai, wo likhni hai, aur uski theory kaise contemporary times mein valid hai. Ye basically point hai. Asaan asme iska sawal ka matlab ye hai ki how Machiavelli's theory is relevant all the times. Hamesha ke liye relevant hai. Ab niche chal jaye, last one. Okay. All political thinkers from Plato to Aristotle to the Middle Ages had concerned itself with the central question of the end of the state and had considered state power as a means to Jamshed, ye zara please mein likhiyega, suniyega zara please. Plato ke liye state end hai, lekin यहां पे एक मिसपरसेप्शन ही होती है. स्टेट क्या चीज है? स्टेट इज बेसिकली, ये आप सुनिएगा प्लीज, इट्स द कम्युनिटी ऑफ पीपल. लोग मिलकर स्टेट बनाते हैं. अच्छा, ग्रीक्स के जमाने में प्लेटो, अरिस्टोटल, उससे पहले सोक्रेटिस, थुसिडिडीज, जितने भी लोग थे, फॉर देम स्टेट इज द बेस्ट कम्युनिटी दैट दे हैव. When I say best community, it means अगर आप एक individual हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी life में progress करें, then you don't know how to do it. You don't know. You are individual. You can't survive on your own. What you need to do is you as an individual need to submerge yourself with the state. If you are part of a political community state where there are other individuals too, then you can take advantage of it. You can do good to yourself. Aap ek individual ki worth dekhna chahte hain, to wo state pe nazar aayegi. State is the perfect institution. And it's so such a perfect institution that can help you grow in many ways. So, zara suniyega please, Samshad. Aakhri jumla. Greeks ke nazdeek, individual can serve himself if he is part of the state. State can do better to him. He cannot do better to himself. Lekin yahan pe masla ye hai, Plato jab baat karta hai to wo state ke interest mein itna kho jata hai ki wo individuals ko sacrifices karwata hai. He makes individuals do sacrifices. For example, he says, bachcha paida ho, maar do agar disable ho. Wo kehta hai, you can't have property, you can't have a family because state requires you. Acha, wo kar to state ke liye raha hai, but state kyun zaruri hai? Individual ke liye state itni zaruri hai ki wo state ki khatir kuch bhi kar lega. Kyun zaruri hai individual ke liye state? Because individual ki apni development bhi depend kar rahi hoti hai state ke upar. Lekin Aristotle bhi state ko as a means samajh ke individual ke benefit ki baat karta hai, but wo individual को भी कहता है, मैंने आपको शुरू में लिखवाया था अरिस्टोटल के बारे में भी, he says that man is a social being, he cannot survive alone, अकेला रह नहीं सकता. The best community through which he can serve himself is state. State के जरिए से अपने आप को बेटर सर्व कर सकता है, किसी और चीज से सर्व अपने आप को नहीं कर सकता. He can't serve himself, he can serve himself through state. लेकिन वो state के लिए, स्टेट इंपॉर्टेंट है बट स्टेट के लिए कुर्बानियां नहीं करवाता इंडिविजुअल से. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. फॉर बोथ ऑफ देम स्टेट इज द सेंट्रल अथॉरिटी, इट इज द हाईएस्ट कम्युनिटी, बट दैट हाईएस्ट कम्युनिटी इज समथिंग फॉर विच इंडिविजुअल शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लेटो, बट फॉर अरिस्टॉटल ही शुड नॉट. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. मैकियावेली की सेंस की बात की जाए, मैकियावेली वॉज डिफरेंट. वाई? बिकॉज फॉर मैकियावेली इंडिविजुअल प्रोग्रेस डज नॉट मैटर एट ऑल. इंडिविजुअल मैटर ही नहीं करता. Individuals are cheap, stupid, brutal, violent, the bad guys simply. इसलिए state ने individual के interest के लिए काम ही नहीं करता.
लेकिन प्लेटो एरिस्टोटल दोनों के नजदीक स्टेट विल हैव टू, स्टेट ऑटोमेटिकली काम करती है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए. लेकिन यहां पे मैकियावेली के यहां स्टेट का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन. आई होप यू यू गेट द सेंस ऑफ इट. इज इट ओके टू से मैकियावेली वाज़ द पर्सन ऑफ पावर पॉलिटिक्स? यस अमेरा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अपोस्टल मींस सोर्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स टू प्रॉफिट. डेविड बचन एंड पॉल केली की बुक है क्या, फ्रॉम सोक्रेटिस टू प्रेजेंट? साजिद, यस इट इज. आप किसी भी किताब से करेंगे, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एक किताब से करेंगे, दैट इज बेटर जी. कोई एक किताब आप चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू चूज. लेकिन मल्टीवर्स नहीं करें, यस वी कैन कॉल इट अ हाई इंटीग्रेशन टू हाई इंटेग्रिटी. विच बुक वुड यू रिकमेंड यूअर्स? अर्जुन रामन राय मुस्तफा, मैंने पहले भी जवाब दिया था. यू कैन चूज एनी बुक यू लाइक, बट जुड हार्मन हैज अ वेरी गुड एक्सप्रेशन. आप में से कोई जुड हार्मन से पढ़ रहा हो, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा मुश्किल है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, दैट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी. That's my answer. If you can't understand it, you think the language is difficult, you can't make the headings and all that, phir aap meri book pe chal jaye. True, Miriam sir, true. Okay. Iski theory ki baat ki jaye, Machiavelli ki relevance with the modern times. Exactly, Hassan. That's a simple formula, too. जी, इसमें हमारा सारी थ्योरी लिखेंगे. You will write all the theory of it. Apostle of power politics. Power politics है. POWER, power politics. सारा कुछ लिखेंगे. अच्छा, रेलिवेंस. लेकिन मैं जरूर ये चाहूंगा कि जी आप एक दफा जुड हार्मन की बुक को देख के उसमें से एक टॉपिक पढ़ के देख लें. Do give it a try. Because the expression that you find it, that's unmatchable. आप ये भी कर सकते हैं, वहां से आइडिया समझ लें, अच्छे एक्सप्रेशन ले लें और मेरी किताब से हेडिंग देख लें. आप ये भी कर सकते हैं. अगर आप खुद से वहां हेडिंग बना सकते हैं, फिर मेरी किताब की जरूरत नहीं है आपको. So it's that kind of thing. Relevance की बात करेंगे. But कोशिश कीजिएगा ज्यादा सोर्सेज से ना पढ़िएगा प्लीज. द मोर यू रीड, द बैड इट इज फॉर यू इन पॉलिटिकल साइंस. जितना एक सोर्स से पढ़ेंगे, जितने कम सोर्सेज से पढ़ेंगे, यानी कि कम पढ़ें, सोर्स जितना कम रखेंगे, एक या रखेंगे या मैक्सिमम दो पे चले जाएंगे, तो आपके लिए बेटर होगा. रेलेवेंस, मैकियावेली इज कंसीडर्ड टू बी इन जुड हार्मन. देयर आर मेनी हेडिंग्स. आई डोंट थिंक जुड हार्मन में मेनी हेडिंग्स हैं, उसमें हेडिंग है ही नहीं. टॉपिक वही होगा जो हमने क्लास में किया है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर ज्यादा हेडिंग्स नहीं है उसके अंदर. पहली इसकी रेलेवेंस है, और वह है थ्योरी ऑफ रियलिज्म. अगर आप में से कोई हो जो आईआर जिसने पढ़ा हो, तो आप जानते हो जो रियलिज्म की थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन टू पॉइंट्स. वन, पावर, एंड सेकंड, स्टेट सेंट्रिक. रियलिज्म थ्योरी सेज दैट जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, रिलेशंस होते हैं स्टेट के मन में, दे आर डिटरमाइंड बाय द पावर फैक्टर्स. और इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. पावर इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. आपके पास पावर है, दूसरे के पास पावर है, तो पावर की नेचर डिफाइन करेगी आपका मेरा रिश्ता कैसा होगा. हाउ माई रिलेशनशिप विल बी एस्टैब्लिश विद यू गाइस. जैसे हम नहीं कहते लोग पैसे को देख के रिलेशनशिप बनाते हैं. आप CSP नहीं है तो आपके साथ लोगों के रिलेशन और होंगे, बट जब आपका CSS हो जाएगा तो फिर आपके बहुत सारे पुराने दोस्त भी निकल आएंगे, बहुत सारे नए भी बन जाएंगे, नए रिश्तेदार भी बन जाएंगे. पावर डिटरमाइंस द सोशल रिलेशनशिप. तो यहाँ पे रियलिज्म कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो उनके ऊपर इफेक्ट आता है. मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं जी, रेलेवेंस ऑफ मैकियावेली थ्योरी. कोई बात नहीं, बोर्ड ब्लर भी है. सो जो स्टेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, दैट इज इफेक्टेड बाय द पावर एलिमेंट. पावर डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स. ये मैकियावेली ने भी कहा था पावर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इसी के से रियलिज्म ने कहा था स्टेट जो है इज द बेसिक यूनिट. इंटरनेशनल रिलेशंस आर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स. स्टेट्स हैज अ सेंट्रल रोल इन द रिलेशंस एंड एवरीथिंग. और साथ ये भी कहा था कि स्टेट का जो रोल होता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट का. स्टेट्स हमेशा RELEVANCE रेलिवेंस. अच्छा, जो स्टेट है वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, हमेशा अपने नेशनल रिलेशन को करती है.
और रियलिज्म जब ये कहता है कि स्टेट्स हमेशा सेल्फिश होती हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, और साथ ही जो मैकियावेली है, एग्जैक्टली दादा, जो मैकियावेली है वो भी यही कहता है कि स्टेट मस्ट प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट। ये बार बार रिपीट करने का क्यों कह रहे हैं? आपको आवाज़ नहीं आ रही, कट रही है? बार बार बच्चे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या ये बच्चे नए ऐड हो रहे हैं? नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, इस वजह से बार बार पूछ रहे हैं। अच्छा, उस वजह से पूछ रहा हूँ। हम मैकियावेली की रेलेवेंस कर रहे हैं जी, मैकियावेली की थ्योरी की रेलेवेंस कर रहे हैं, और उसमें हमने कहा कि मैकियावेली की थ्योरी की पहली रेलेवेंस मॉडर्न टाइम में ये है कि एक थ्योरी होती है मॉडर्न दौर में आईआर की, और वो थ्योरी है रियलिज्म की, और वो जो थ्योरी है रियलिज्म की वो थ्योरी कहती है कि स्टेट्स के दरमियान में रिलेशन पावर डिटरमिन करती है, पावर की बुनियाद पे स्टेट रिलेशनशिप डिटरमिन कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ वो रियलिज्म थ्योरी कहती है कि जो स्टेट है वो एक बेसिक एलिमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस आर द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, जहाँ इंडिविजुअल्स का और बाकी लोगों का कोई रोल नहीं होता। और तीसरी चीज़ रियलिज्म ये कहता है कि जो स्टेट्स हैं दे प्रमोट देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट को स्टेट प्रमोट करती हैं, दे डोंट केयर अबाउट द अदर्स। नाउ मैकियावेली भी यही कहता है कि पावर इज एवरीथिंग, वो भी कहता है स्टेट इज द बेसिक यूनिट, और वो भी यही कहता है दैट स्टेट प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट सेल्फिश होती हैं, जिस तरह इंडिविजुअल सेल्फिश हैं स्टेट भी सेल्फिश होती हैं, इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, स्टेट भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, दे डोंट केयर अबाउट हु इज अ फ्रेंड एंड फो। अगर आपको एग्जाम्पल देखनी हो तो उसकी थ्योरी में हमने पढ़ा था कि अगर नेबरहुड में वार हो रही हो तो किसका साथ देना चाहिए। वीकर का, इसका मतलब आपने कोई मोरालिटी नहीं है, कोई आपने फ्रेंड का नहीं देखना, जो वीक है उसका साथ देना है, दैट्स अ सिंपल आइडिया। सो दिस आइडिया ऑफ रियलिज्म इज टेकन फ्रॉम द मैकियावेलीज थ्योरी। फिर उसका कॉन्सेप्ट है जी सेकुलरिज्म का। मैकियावेली इज द पायनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म, वो सेकुलरिज्म की बात करता है, और ये जो सेकुलरिज्म की बात करता है ये भी मॉडर्न दौर में जो स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर सेकुलर इन नेचर, एंड सेकुलरिज्म इज प्रमोटेड वर्ल्ड वाइड, ऑलमोस्ट ग्लोबल नाम बन चुकी है, दैट स्टेट्स आर मोस्टली सेकुलर इन नेचर। सेकुलर क्यों है? स्टेट्स मेक पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट्स द आइडिया दैट इज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ दोज स्टेट्स इन द वर्ल्ड। फिर एक और पॉइंट आप उसके अंदर ऐड करेंगे, और वो पॉइंट होगा बैलेंस ऑफ पावर का। ये भी रियलिज्म में ही आ जाता है, बट अलग से भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इज व्हेन स्टेट्स मेक लॉज एंड पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस फेथ। जब स्टेट किसी फेथ की बुनियाद पे, किसी एक्सक्लूड का मतलब ये ना करें, तमाम किसी भी मजहब की बुनियाद पे पॉलिसी नहीं बनाती बल्कि अपने इंटरेस्ट को देख के बनाती है। वो इंटरेस्ट रिलीजन से मैच करता हो तो ठीक, ना भी करता हो तो भी ठीक, इट वर्क्स आउट। इट्स सिंपली सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है जिसमें आप यू डोंट मेक वन पॉइंट और वन रिलीजन एज द बेसिस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग वगैरह में आप कुछ करो नहीं करते जी। एग्जैक्टली, नेशनल इंटरेस्ट इज अ प्राइम इंटरेस्ट। रिलीजन हो सकता है अवाम का, स्टेट का रिलीजन नहीं होता, स्टेट इज सुपीरियर। यस, बैलेंस ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू दिस वन मैकियावेली, यस अकॉर्डिंग टू मैकियावेली द स्टेट मस्ट एक्सपेंड आर एक्सपायर। एक्सपेंड आर एक्सपायर का मतलब ये हुआ, नो पाकिस्तान इज नॉट सेकुलर स्टेट, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ऑफिशियल रिलीजन है ना, इस्लाम है, नो लॉ शैल मेड अगेंस्ट इस्लाम, सिंपल आइडिया। तो इसका मतलब हमारे यहां तो रिलीजन की बुनियाद पर लॉ बनाए जाएंगे। एक्सपेंड और एक्सपायर, सो व्हेन ही सेज द स्टेट मस्ट एक्सपेंड, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर बढ़ेगी, एक्सपेंडिंग मींस इसकी पावर बढ़ेगी, बट इफ वन स्टेट एक्सपेंड्स द अदर एक्सपायर्स, एंड इफ अदर स्टेट एक्सपेंड्स तो ऑटोमेटिकली आप योर स्टेट विल एक्सपायर। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जीरो सम गेम या बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। सो जीरो सम गेम क्या होती है, आपने सीसा देखा होगा, इफ वन गोज अप अदर गोज डाउन, देखा होगा आपने सीसा में, यस प्रिजनर्स डाइलेमा, ट्रू मनी सर, इफ वन गोज अप द अदर गोज डाउन, दैट्स द आइडिया। सो
समहाउ एक स्टेट एक्सपेंड करेगी तो दूसरी एक्सपायर करेगी, अगर वो एक्सपेंड करेगी तो यू विल एक्सपायर, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पावर गेम। सो ही वाज द पायनियर, इसने टर्म तो यूज नहीं की बैलेंस ऑफ पावर की, बट हिज आइडिया दैट एक्सपेंशन इज एक्सपायरेशन टू अदर्स, दैट जीरो सम गेम कहते हैं इसको। दिस इज वट वी कॉल द, ही डिड नॉट यूज द वर्ड बैलेंस ऑफ पावर, ही डिड नॉट यूज द वर्ड जीरो सम गेम, उसने ये लफ्ज यूज नहीं किए हैं, बट ऑब्वियसली बात है दिस इज समथिंग दैट इज एट्रीब्यूटेड टू हिज थ्योरी। लास्टली प्रिंसिपल्स ऑफ डिप्लोमेसी, मैकियावेली हैज बीन कंसिडर्ड टू बी द गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग डिप्लोमेसी इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न डिप्लोमेसी इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैकियावेलियन आइडिया दैट स्टेट इंटरेस्ट नेसेसिटेट द डिसरिगार्ड ऑफ इवन मोरालिटी। Sometimes states have no practical value of morality when it comes to their national interest. They only care about the national interest and they use force obviously where necessary. They become deceptive, they cheat, they lie, they break the laws if their interests demand. So apne interest jo hote hain uski buniyad pe states apni foreign policy conduct kar rahi hoti hain, and that's why we believe that jo modern diplomacy hai which is based on the primacy to the national interest and not, and states do not get hostage to the values, norms, etc. most of the times that kind of thing is what we call that is taken from the Machiavellian theory. Yes, state interests disregard morality simply, our morality principles and all that. Ji, yes, true. Main isko ek baar fir repeat kar deta hu ji shortly. According to Machiavelli, jo state according to Machiavelli, jo diplomacy hai, that is meant to achieve the national interest, and while conducting diplomacy morality is not relevant, values are not relevant, only thing that is important is state interest. So you can lie, you can cheat, you can break the promises if the state interest required, and this idea is kept in mind by the modern diplomats. Misal leta hu choti si, likhega nahi paper mein, pucha gaya isse apne bhai Mohit Yusuf sahab se interview mein Indian channel ne ke yogar ke musalmanon ka issue kyun nahi uthate, to kya kaha unhone, what he said, it's a non issue. Last you guys, there's no such issue, ye issue hai nahi. Was he actually telling the truth? Exactly. That's how pure diplomatic answer, and that's what needs to be done. Exactly. Ek aakhri cheez aur bhi likh lein ji, patriotic army. He was the first one who wanted to who was of the view that a military should be developed which is not meant for financial benefits but rather it is for the sake of the state interest. So a patriotic army ho, paid army na ho, ek aisi army na ho ke jo ke lustful ho, instead of that we should have an army that is dedicated to the state interest, jo loyalty state ke sath rakhti ho, and it is willing to die for the sake of state. तो ये एक बेसिकली जो आइडिया। अच्छा, इसी सारों से एक और कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, वो है नेशनलिज्म का। ही वॉज द पेट्रियट इटालियन एंड एवरीथिंग दैट ही सेड वॉज फॉर द सेक ऑफ स्टेट, एंड दैट इज वाई ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर सपोर्टर्स ऑफ नेशनलिज्म टू। वो नेशनलिज्म जो है वो भी क्रिएट करता है अपने मुल्क के अंदर। सो दिस इज ऑल जी रेलिवेंस पॉइंट हैं इसके, आई गेस। शुड वी मूव? स्टेट स्टेट स्टेट, not prince, loyalty to the state. Prince himself is loyal to the state, wo jhoot bolega sab kuch karega state ke interest ke liye. Let's move ji. Thank you for sharing a very good quote ji. Never attempt to win by force what can be won by deception, Niccolo Machiavelli. Thank you. देखिए, आप पूछते हैं क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन हमेशा मैं शुरू से बताता हूं आपको। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि किस तरह से आएगा। अगर कोई मुझे बताए मैंने मैकियावेली पे क्या कहा था, मैं कहा था उसमें सवाल मोस्ट लाइकली आ सकता है और वो है उसकी थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स पर। पावर पॉलिटिक्स इज द मोस्ट लाइकली या बुक प्रिंस पे सवाल आ सकता है। उमर, नेशनलिज्म का मतलब यह है कि नेशनलिज्म मीन्स दैट मैकियावेली वॉज द वन हु प्रमोटेड द नेशनलिज्म इन इटली बिकॉज
he wanted a patriotic military. He wanted everything to be done for the sake of state. Wo Italy ki unity chahta tha, wo Italy ki betterment chahta tha, and that is why the prince was doing everything for the state interest. So I'm saying he promoted the idea of nationalism. Acha, abhi jo hamare topics hain ji, jo humne start karne hain, they are very very important ones. Yeah, obviously, if the question is on Prince, we will mention all this. Because everything jo humne discuss kiya hai, that is discussed in the Prince. Wo Prince ke andar likhi hui. Ji, criticism aapne karna hai. Criticism sare aapne karne hai, padhne hai. Main khud nahi karwa raha. Achha, ab humne teen thinkers discuss karne hai ji. They are very, very, very important ones. Bahut hi important thinkers hain. Aur wo hai... Yes, absolutely, Jazeb, absolutely. हमने तीन थिंकर्स करने हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो. थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो. डेट ऑफ बर्थ और डेथ मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, आप ऐसे वेरीफाई कर लीजिएगा प्लीज़. हॉब्स की है 1588 से 1679, लॉक की है 1632 से 1704, और रूसो की है 1712 से 1778. नहीं नहीं Not all in one lecture, जी नोबल मैंने ये नहीं कहा. I don't mean that. I wish we could, but we can't do that. अच्छा, इस पर ना सवाल किस तरह से आता है, मैंने इकट्ठा क्यों कहता है, जो ऊपर लिख दिया फायदा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिकॉज इन पर सवाल कंपेरिजन में आता है. द क्वेश्चन कम्स ऑन कंपेरिजन. तीनों के दरम्यान दो तरह से सवाल आ सकता है, प्लीज सुनिएगा, प्लीज ये नोट करें अपने पास, फिर आपने कल पूछना है. नोट इट डाउन जी. One, the question can be comparison of the three thinkers. और तीनों का comparison किस sense में, इनकी theory है जिसको हम कहते हैं social contract theory. Social contract theory का comparison तीनों thinkers का, मैं अभी बताता हूं वो theory क्या है. दूसरा सवाल, you can ask the comparison between Hobbes and Locke. Hobbes और Locke पे अलग सवाल दे सकता है. तीसरा, वो रूसो पे अलग सवाल भी दे सकता है. ही कैन गिव अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन रूसो. और रूसो पे अलग अगर सवाल आया तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आएगा उसकी जनरल विल पे. वो जनरल विल पे आएगा, और जनरल विल रिलेट करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, वो मैं रिलेट करूंगा वहां पे जाकर. सो तीन तरह से सवाल, पहला सवाल तीनों का कंपेरिजन, दूसरा सवाल हॉब्स लॉक का कंपेरिजन, तीसरा सवाल रूसो की जनरल विल की थ्योरी. इज इट क्लियर? समझ आ रही ना बात, क्यों मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान है तीनों का. अच्छा, थ्योरी बड़ी आसान है इनकी. दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स जी. आपके सी एस एस में सबसे हॉट टॉपिक होते हैं ग्रीक थिंकर्स, प्लेटो, अरिस्टॉटल, और ये तीन थिंकर्स, ये हॉट टॉपिक होते हैं. और ये जो थिंकर पढ़ा रहे हैं, ये थिंकर्स आपको पॉलिटिकल साइंस के बाकी जो टॉपिक्स हम बाद में पढ़ेंगे उनमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा सॉर्ट ऑफ. आप में से कोई एक काम कर लिया करें प्लीज, ये जो मेन क्वेश्चन होते हैं नीचे टाइप भी कर दिया करें, ताकि बच्चे जब मुझसे पूछते हैं तो आप नीचे पढ़ लिए. जी हॉब्स लॉक का कंपेरिजन, अलग अलग सवाल नहीं आ सकता, कंपेरिजन में आता है जी अक्सर सॉर्ट ऑफ. अच्छा, सोशियोलॉजी में भी है, दैट्स वंडरफुल. पहला क्वेश्चन तीनों का कंपैरिजन, दूसरा क्वेश्चन हॉब्स और लॉक का कंपैरिजन, और तीसरा क्वेश्चन जनरल विल थ्योरी जो है. नाउ ये यहां भी हेल्प करेगा, सोशियोलॉजी में जितना बता रहे हैं वहां भी हेल्प करेगा, पेपर वन के सेक्शन टू में भी, यहां पॉलिटिकल साइंस में हेल्प करेगा, पेपर टू के अंदर भी जाके हेल्प करेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन जी, इससे अगर भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी साइकोलॉजी में भी है. वाओ, दैट्स वंडरफुल. लेट्स सी के कंपैरिजन आता है तो जरा बेसिक आइडिया, अभी लिखना नहीं आपने, अभी आइडिया समझने की कोशिश कीजिएगा. डोंट राइट राइट नाउ, मैं जब कहूंगा तब आपने लिखना है. जेंडर में भी वाओ, फिर तो आप सारे वहां कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे, जरूरत नहीं मुझे पढ़ाने की. अच्छा, अब तीनों थिंकर का
मैं पढ़ा रहा हूँ जी, मैं पढ़ाऊंगा। आपने इनमें से मुझे बताना है फिर आपको फेवरेट कौन सा है। मॉन्टेस कभी नहीं आएगा रहता, वो बाद में आएगा। मॉन्टेस कभी कहाँ पर, मॉन्टेस को बाद में करना है। अच्छा थैंक यू जायदा, थैंक यू थैंक यू। अच्छा थैंक यू फायदा। अच्छा देखिएगा जी प्लीज, ऑल थ्री थिंकर्स, अब आपने सुनना है प्लीज, कोई नहीं लिखना, आपने टाइप भी नहीं करना, लिखना भी नहीं है, सुनिएगा। तीनों थिंकर्स ने एक थ्योरी पे काम किया जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इकट्ठे काम नहीं किया, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ देखें, ये डेट्स लाजमी वेरीफाई कीजिएगा, मैं श्योर नहीं होता इन डेट्स के ऊपर। तो अलग अलग टाइम पे तीनों ने किया है, अलग अलग जगह पे थे, अलग अलग टाइम पे थे तीनों ने, लेकिन थ्योरी एक ही थी। ओके ठीक हो गया, इस पर तीनों की थ्योरी एक ही थी और वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अच्छा मुझे बताइए सोशल से क्या मतलब होता है। आज ही सुबह पढ़ा है सोशल, यस इंटरेक्शन सोसाइटी से रिलेट करता है, ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात होती है, सॉर्ट ऑफ दैट्स ट्रू। अच्छा लोगों से रिलेट, इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट पीपल, सोसाइटी मीन्स पीपल। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट, ऐसा ही है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, दैट्स व्हाट यू कॉल इट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, एग्रीमेंट ऑफ द पीपल, एग्रीमेंट ऑफ द सोसाइटी, ऐसा ही है लोगों के दरमियान में ट्रूस एग्रीमेंट, जो भी लोगों के दरमियान में होगा उसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट अमंग द पीपल इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये तीनों थिंकर्स ये कहते हैं, ऑल थ्री थिंकर्स से तीनों की थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ऑल थ्री गेव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और तीनों का कॉमन व्यू ये है, कॉमन व्यू ये है कि द स्टेट वॉज क्रिएटेड आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट टुक प्लेस अमंग पीपल। आसान तरीन लफ्जों में मैं जो बता रहा हूं आपको, तीनों थिंकर ये कहते हैं स्टेट क्रिएट की गई, स्टेट बनाई गई आफ्टर पीपल मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं खुदा ने नहीं बनाई, डिवाइन नहीं है, फोर्स नहीं है, एवॉल्व नहीं हुई, बल्कि ये खुद ब खुद नहीं बन गई, इसको बनाया गया, और बनाया कैसे गया, लोगों ने बनाया, किस तरीके से बनाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, सोशली कंस्ट्रक्टेड, एग्जैक्टली इट्स सोशली एग्रीड प्रोडक्ट, लोगों ने एग्रीमेंट किया और वो प्रोडक्ट बन गई, दैट्स हाउ इट वॉज क्रिएटेड। इज इट क्लियर, ये बात समझ आ रही, लोग कॉन्ट्रैक्ट ना करते तो स्टेट ना बनती, ये बेसिक सा आइडिया है सॉर्ट ऑफ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है बेसिकली। अच्छा अब अगर तीनों एक ही बात कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है, अगर तीनों कह रहे हैं कि स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी तो डिफरेंस कहां पर है, तो डिफरेंस आता है, मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि टाइम का नहीं, तीनों थिंकर कहते हैं कि स्टेट जो बनी, कॉन्ट्रैक्ट जो किया, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया भाई, व्हाई पीपल हैव टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स एक्सप्लेन्स डिफरेंट रीजंस, लॉक एक्सप्लेन्स डिफरेंट रीजंस, रूसो एक्सप्लेन्स डिफरेंट रीजंस, दे एक्सप्लेन डिफरेंट रीजंस व्हाई स्टेट केम इनटू बीइंग, Why they had to enter? तीनों के नजदीक needs different थी लोगों की, there are different needs. तीनों के नजदीक basis of contract were different, cause of the contract was different. हाफ के नजदीक लोगों को कुछ और मसला था, लॉक के नजदीक कुछ और था, रूसो के नजदीक कुछ और मसला था। दूसरा difference था कि contract के अंदर बताया क्या गया, what was the terms and conditions of the contract? Agreement होता है तो कुछ bargain होती है, give and take होता है, terms and conditions होती हैं। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसके तहत ये एग्रीमेंट किया गया, दिस इज व्हाट वी कॉल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नो जो असल वाज डिफरेंट, अभी हम इसको पढ़ते हैं फिर हम उसके ऊपर आएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, कॉन्ट्रैक्ट में था क्या, इस पे तीनों की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट बनी, दे ऑल एग्रीड। इज इट क्लियर, अच्छा मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको ये सेंस समझ में आ गई है, क्या ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी
Was it about the functions of state, or it was about the origin of state? ये किसके बारे में? Exactly. Good. State पहले बनी कैसे और फिर उस बनने के प्रोसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या था, ये सारी डिटेल्स में देती है. गुड हो गया. लेट्स मूव जी. जी एग्जैक्टली. फंक्शंस नहीं, फंक्शंस प्राइमरी नहीं, ओरिजिन. ओरिजिन स्टेट क्यों बनी, दैट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेट. ओके लेट्स बिगिन विद हॉब्स. हॉब्स पे स्टार्ट करते हैं. मैं हॉब्स अलग पढ़ूंगा, फिर लॉक पे जाएंगे, फिर रूसो पे जाएंगे. आज हम कोशिश करेंगे हॉब्स को कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लॉक और रूसो को कवर करेंगे. हम कहां से शुरू करेंगे? व्हाट विल वी स्टार्ट विद? नो, अब हम शुरू से थ्योरी करेंगे सारी. मुस्तफा स्टार्ट से. नो, बायोग्राफी से. हम बायोग्राफी से स्टार्ट करेंगे. पेपर में आपने कॉन्टेक्स्ट से शुरू करना, इंट्रोडक्शन करते हैं. हॉब्स, अब जरा जल्दी से नोट कर लीजिएगा. हॉब्स वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. एट अ टाइम when there was anarchy in England. He was born in England at a time when there was anarchy. Anarchy kya hoti hai? This anarchy was created by the fear of, this anarchy was created by the fear of, यस, क्या सफर तफरी को कहते हैं, डिसऑर्डर को कहते हैं. ट्रू. दिस एनार्की वॉज क्रिएटेड बाय द फियर ऑफ सिविल वॉर. आई मीन हमजा, आई डोंट एग्री विद दैट, बट स्टिल, क्रिएटेड बाय द फियर ऑफ सिविल वॉर एंड द फियर ऑफ स्पेनिश इन्वेजन. द फियर ऑफ स्पेनिश इन्वेजन. फियर ये था कि सिविल वॉर हो जाएगी, फियर ये था कि स्पेन इन्वेड कर लेगा. अब ये दो पॉइंट अंडरलाइन कर दें, इसको मैं जरा आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट डज इट मीन, अभी एक्सप्लेन नहीं करा. अभी जी वी आर डूइंग थॉमस हॉब्स. जी थॉमस हॉब्स को कहते हैं, उसकी बायोग्राफी करें. एनीहो, हॉब्स लेटर स्टडीड फिलोसफी एंड लॉ. जरूर अमीर हमजा, जरूर. He studied philosophy and law from Oxford. After which he started writing and teaching. After which he started reading, teaching and writing. But due to his radical ideas, due to his radical ideas, he left England for Paris. वो इंग्लैंड छोड़ के पेरिस चला गया, because of his radical ideas. अब ये radical ideas जो मैंने लिखा हुआ है, इसको भी अपने पास note कर ले, इसको भी मैं explain करूंगा बाद में कौन से ऐसे ideas से radical. ये lecture के आखिर में आपको समझ आएगी. अच्छा, पेरिस चला गया, लेफ्ट फॉर पेरिस, फ्रांस चला गया. वेयर ही कंटिन्यूड हिज राइटिंग एंड टीचिंग. ही वॉज अलाउड टू रिटर्न. सो उसका बाय एंड लार्ज जो प्रोफेशन था वो टीचिंग था और राइटिंग था. ही यूज टू पब्लिश आर्टिकल्स, मैगजीन्स एटसेट्रा. सो ही कंटिन्यूड टू मूव ट्रेवल फ्रॉम पेरिस टू लंदन, और ये ट्रेवल उसका मोस्टली रहा है. जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है लिखी है हॉब्स ने, दैट वॉज कॉल्ड लिवाइथन. लिवाइथन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ हॉब्स. लिवाइथन का मतलब होता है बेसिकली द मॉन्स्टर. ये एक मेटाफर है फॉर अ पावरफुल किंग.
मॉन्स्टर लिटरली मतलब है और इसका सेंस है द मोस्ट पावरफुल किंग, सी मॉन्स्टर, बट इट्स अ मेटाफर फॉर पावरफुल किंग, ट्रू। अच्छा, साथ सी मॉन्स्टर को कहते हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। और भी किताबें हैं बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ओके, एक ही बात है, पावरफुल किंग और रूलर एक ही बात है शायद। कॉन्टेक्स्ट चलते हैं, व्हाई ही गेव द थ्योरी, आपके उसका कॉन्टेक्स्ट है थ्योरी का है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्यों दी उसने, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। हाब्स के जमाने में जो पहला मैंने आपको शुरू में कहा था, देयर वाज एनार्की इन इंग्लैंड, और दो फियर थे, एक था मैंने कहा आपको सिविल वॉर का, और साथ फियर था कि आपकी स्पेन इन्वेड कर सकता है। अच्छा, जब सिविल वॉर हो या इन्वेजन हो तो खतरा किसको होता है, व्हाट इज थ्रेटन्ड, दो मेन होते हैं, आपकी लाइफ को और आपकी प्रॉपर्टी को। योर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, स्टेट को तो खतरा है ऑब्वियसली है, योर लाइफ एंड योर प्रॉपर्टी इज थ्रेटन्ड, उसको थ्रेट ज्यादा हो जाता है, आप अपनी जान खो सकते हैं, अपनी लिबर्टी खो सकते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी खो सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हाब्स लिबर्टी का ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, हैप्पीनेस भी नहीं कहेंगे, ज्यादा तो लाइफ और प्रॉपर्टी, कम से कम हाब्स के जमाने में, हाब्स के सेंस में लाइफ और प्रॉपर्टी की बात को ज्यादा करता है। अच्छा, अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, हाब्स की स्टेटमेंट है, यानी कोट हिम, उन्होंने कहा आई वॉज बॉर्न, सॉरी माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, उसकी कोटेशन है उसकी बायोग्राफी में, माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, मेरी माँ ने एक जुड़वा बच्चों को पैदाइश दी, माई सेल्फ एंड द फियर, माई सेल्फ एंड द फियर, दैट्स द पॉइंट। सो द पॉइंट इज दैट ही वॉज बॉर्न एट अ टाइम व्हेन देयर वॉज फियर एवरीवेयर, दैट्स द आइडिया। अब उस फियर में, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उस फियर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, सेंट्रल कंसर्न इज बुक वॉज हाउ टू एंड फियर, एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। अब सवाल मेरा आपसे ये है, फियर से रिलेटेड दो चीजें होंगी, वन हाउ टू एंड फियर, हाब्स का आर्गुमेंट ये था वी कैन एंड द फियर बाय हैविंग अ पावरफुल रूलर, फियर को आप अथॉरिटेरियनिज्म से थ्रू पावर वी कैन एंड द फियर, चैलेंज है और उस चैलेंज का मुकाबला एक पावरफुल तरीके से किया जा सकता है। सो देयरफॉर टू एंड द फियर रिक्वायर्स अथॉरिटेरियन पावरफुल मोनार्की, मोनार्की बट पावरफुल अथॉरिटेरियन मोनार्की इज नीडेड, अ पावरफुल किंग, अ पावरफुल रूलर इज नीडेड टू एंड द फियर, बिकॉज ओनली ही कैन डू इट। ये हम सोशली भी यही देखते हैं, जहां एनार्की ज्यादा हो, एक बंदा ऊंचा बोलता है सारे चुप कर जाते हैं, दैट्स द आइडिया दैट somebody who can dictate can end the chaos and the fear, to end the chaos and fear you need somebody that is most powerful, that's how it ends। ये एक बेसिक आइडिया होता है, ये एक परसेप्शन है, उसका भी यही ख्याल था। लेकिन सवाल ये था कि फियर जो हमने जिक्र किया, ये जो फियर का जिक्र किया, उसको खत्म करने के लिए एक स्ट्रांग पावरफुल मोनार्क चाहिए, एक रूलर चाहिए, तो इंग्लैंड में उस वक्त रूल कर कौन रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के अंदर उस वक्त थी बादशाहत, द किंग, बट किंग्स अथॉरिटी वॉज बींग चैलेंज बाय द पार्लियामेंट, king was ruling but king's authority was being challenged by the parliament, in fact maine pehle zikr kiya civil war ka khatra tha, in fact the fear of civil war was between the royalists and
Republicans. The fear of civil war was between the royalists and Republicans. Royalists were defending the king's powers and Republicans were defending the parliament's powers. तो फियर ये था कि दोनों में सिविल वॉर हो जाएगी. तो आपका गेस क्या है, हाब्स किसको सपोर्ट कर रहा होगा, वो रॉयलिस्ट होगा या रिपब्लिकन किंग? और क्यों किंग, वाई किंग? बिकॉज किंग, अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग किंग इज नीडेड टू एंड द फियर इन द स्टेट. दैट्स व्हाट वाज नीडेड. Exactly. That's true. Agreed. Now, लेकिन मसला क्या है, वो तो रॉयलिस्ट भी कर रहे थे, ये कैसे डिफरेंट हुआ? ये भी तो उन जैसा ही था. डिफरेंस ये था, अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा. डिफरेंस ये था दैट उस वक्त जितने रॉयलिस्ट बादशाह को सपोर्ट कर रहे थे, जी दे वर टू ग्रुप्स, जी जितने ग्रुप सपोर्ट कर रहे थे रॉयलिस्ट, जो बादशाह को सपोर्ट कर रहे थे, दे वर सपोर्टिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन राइट. के वो कह रहे थे बादशाह के पास पावर होनी चाहिए, और उसकी बुनियाद क्या थी? दे सेड बिकॉज किंग इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ. डिवाइन राइट है बादशाह का रूल करना, इसलिए उसके पास होनी चाहिए. हाब्स वॉज ऑल्सो वॉन्टेड, Hobbes was also wanting the king, but he was the a person, he was grown to be an enlightened person, a person who believed in modernity, who believed in science, who believed in rationality, wisdom, and who believed in enlightenment. If you are an enlightened person, you believe in wisdom and you believe in human rationality, will you have the same argument कि बादशाह के पास पावर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि खुदा ने कहा है? Obviously not. So, in simplest of words, Hobbes, in order to justify the powers of the king, he have to give a theory. He have to produce a theory. And what is the theory that he produced? Social contract theory. So Hobbes, why he wrote the social contract theory, why he gave the social contract theory? He gave this theory to justify the powers of the king in England. I'm not so sure ji England mein us par rule queen ka tha ya kiska tha, mujhe exact nahi pata, queen elizabeth thi jo bhi thi, but his function was, his theory was meant to justify the powers of the king. Is it clear? काबिल नहीं, ताकतवर बच्चा नहीं, जेठ काबिल ना हो ना हो ताकतवर हो, दैट्स आइडिया. क्या ताकत ही काबिलियत की बुनियाद होती है? एडमिरेबल जी, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मैगलीज जी, बट डिफरेंट वे में. ट्रू ट्रू. Okay, let's move ji, let's go to the theory. Ab theory pe jaate hain. No, faiza bilkul bhi nahi. Dekhiye, maine pehle kaha Hobbes ne to royalist keh rahe the ki badshah ke paas divine right hai. Hobbes to maan hi nahi raha tha. Hobbes to kehta ki nahi, badshah ke paas divine right nahi hai, he was a man of enlightenment. Aur wo to keh raha tha, वो तो कह रहा था कि बादशाह के पास डिवाइन राइट नहीं बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से बादशाह को अख्तियार दिया गया. लेट मी डिस्कस द थ्योरी और फिर आपको दोबारा इस पॉइंट पे इसको कॉन्टेक्स्ट से फिर रिलेट करूंगा मैं जाके आखिर में. जी, उसने शैडो ऑफ गॉड की थ्योरी को, डिवाइन राइट की थ्योरी को रिजेक्ट किया था बेसिकली. दैट्स द पॉइंट थ्योरी. अब यहां पर जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं हाफ पे थोड़ा स्लो जा रहा हूं क्योंकि अब लॉक वाला एग्जैक्टली आसान हो जाएगा मेरे लिए करना. हाफ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लॉक 25-30 मिनट में मैंने खत्म करना है. Exactly, Umar, absolutely. अब इससे स्टार्ट करते हैं. Hobbes himself was the same one. Hobbes begins his theory of social contract by explaining human nature.
He begins his theory by explaining human nature. Hobbes says, जी थॉमस हॉब्स ही पढ़ रहे हैं ना. हॉब्स बिगिन हिज थ्योरी बाय एक्सप्लेनिंग ह्यूमन नेचर, और इंसान से शुरू करते हैं, बिकॉज कॉन्टेक्ट लोगों में था तो लोगों की नेचर कैसी होती है. हॉब्स बिगिंस बाय सेइंग दैट मैन बाय नेचर इज सेल्फिश, वायलेंट, ब्रूटल. He is lustful and he has the lust for power and he has the lust for glory. जो भी negative word आता है सारे इंसानों के बारे में सवाल करते हैं. Man by nature is bad, nasty, barbarian, brutal, violent, greedy, selfish. सारी बुराई है उसके अंदर. He was all bad. In other words, does Hobbes, आपसे पूछ रहा हूं, have an optimist view of human nature or he has a pessimist view of nature? Not all philosophers are pessimists. Again, पढ़ेंगे. It's a pessimist view, जी. He has a pessimist view. He has a negative view of human nature. I don't know about the seven deadly sins in Christianity, but I don't know about that, so I won't comment on that. But he has a very negative or dark view or a pessimist view of human nature. Ye zameen rakhiyega. After explaining human nature, he goes to explain state of nature. Hobbes explains, he is himself a pessimist, human too. He says, he explains the state of nature. G2. Amir Abzal, definitely I will. Thank you. Achha, state of nature. Zara suniyega please. State of nature se matlab kya hai? Ye please suniyega. Ye bache common mistake karte hain. Asaan sa point hai, isko miss kar dete hain. Yahan pe state se matlab hai condition. Yahan state se matlab mulk nahi hai. Country nahi hai. Yahan pe country nahi hai. Yahan pe state se matlab hai basically condition. जिस हम नहीं कहते दी हालात एग्जैक्टली हालत का लफ्ज़ यूज करेंगे. हालात नहीं, हालत की लफ्ज़ होती हैं. कंडीशंस क्या थी? स्टेट ऑफ नेचर से मतलब है कंडीशन ऑफ पीपल, सर्कमस्टांसिस ऑफ द पीपल व्हेन दे फर्स्ट अराइव्ड ऑन दिस प्लैनेट. जब दुनिया में इंसान नए आए थे तो ये जितने सिनोनिम आपने यूज किए हैं, हालात, सर्कमस्टांसिस, कंडीशंस, एग्जैक्टली दे ऑल, सूरत हाल क्या थी, कैसे हालात थे, ये इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर. सो समहाउ द कंडीशंस दैट वर देयर एट द टाइम व्हेन द पीपल केम इन दिस प्लैनेट. तो हालात कैसे थे? अब जरा गौर से सुनिएगा प्लीज. यू मस्ट अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा. When we say state of nature और हालात कैसे होंगे, तो उससे पहले उसने इसको हम एक और सेंस में भी लेते हैं. हम कहते हैं when people were new to this world and they did not have any organization, they did not have any community, कोई ऐसा community नहीं थी, state नहीं थी, military नहीं थी, police नहीं थी, bureaucracy नहीं थी, बिल्कुल नए इंसान आए थे. They have just landed, a few of them. तो अगर इंसान ऐसे हो जहां पे selfishness हो, जहां पे violence हो, ब्रुटैलिटी हो, लस्ट हो, वहां के हालात कैसे होंगे? व्हाट विल बी द कंडीशन? विल देयर बी पीस और देयर बी वॉर्स? इट वाज अ बैड कंडीशन. देयर वाज कैओस, देयर वाज वायलेंस, देयर वर वॉर्स. दे अगर मैं हॉब्स के लफ्ज यूज करूं, हॉब्स के वर्ड्स हैं, हॉब्स ने कहा इट वाज स्टेट ऑफ इन स्टेट ऑफ नेचर it was like war of all against all. It was like war of all against all. Yani everybody was in a state of war with everybody.
So life was brutal, life was nasty, and life was uncertain, and life was short. Short thi. Short matlab? Short kyun thi waise life? Why it was short? Because anybody could kill anybody for the sake of no reason. Lust ke liye, acha. Uncertainty isliye because aaj aap zinda hain, to kal mar sakte hain. Aur secondly, aapke paas aaj property hai, koi powerful aayega, wo aapse chheen chala jayega. People would kill each other, people would harm each other for that sake. Now, one last point. In this state of nature, there was only one law. And that law was, might is right. Might is right. That's the law. That was the only rule that we heard. Jiski paas power hai, he has the rightful claim, wo property bhi chheen sakta hai, wo kisi ko maar bhi sakta hai. There is nobody who could punish him. That's the basic idea. So this is what was the condition of the people in ancient times, jab naye naye tareekh mein log aaye the. That was the kind of tradition. Agar aap mein se kisi ne dekha ho, ek different seasons bhi hain iske upar sort of. उसके ऊपर तो अगर आप वो डिफरेंट सीजन भी देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें दिखाते हैं कि जब तारीख में नए नए इंसान आते हैं हाउ दे रिएक्ट एंड एक्ट टू दैट एक विजुअल बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. इट वाज लाइक इन एनार्किक कंडीशंस क्योस वाइकिंग्स है जो भी आप सीजन देखते हो सारा. सो समहाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन जी, ये स्टेट ऑफ नेचर की बात होती है. नाउ ये बोर्ड पिक्चर आपको मिल जाएगी, बोर्ड पिक्चर में ले लेता हूँ ना सिर्फ इसको, बोर्ड पिक्चर आपको सेंड करनी है. ओके मैं ले लीजिए क्या, आई एम रिमूविंग दिस वन. हाब सेज दैट व्हेन स्टेट ऑफ नेचर वाज दैट बैड, सॉरी, व्हेन स्टेट ऑफ नेचर वाज दैट बैड एंड इट वाज दैट पैथेटिक कंडीशंस, देन पीपल बिकेम फेड अप. Thank you, everybody. People became fed up of this condition. Their life was uncertain. They wanted to get stability. They wanted to get a better life. Although they were selfish and they feared that because anybody could harm them at any time. So for their own personal interests, for their own personal selfish interests, they wanted to end the violence and insecurity. They wanted to end the fear. So उन्होंने कहा दे डिडंट नो व्हाट टू डू, उनको आइडिया नहीं था कि वो क्या करें. एंड समहाउ देन सम पीपल गॉट एन आइडिया, सम सेन पीपल यूज देयर विजडम, दे गॉट एन आइडिया एंड दे कन्विंस्ड अदर्स. द पीपल वर फेड अप ऑफ देयर कंडीशंस, द पीपल वर काइंड ऑफ व्हाट वी से, लोग तंग आ गए थे उस लाइफ से. दे थॉट दैट लेट्स हैव फॉर हाउ टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी, कैसे प्रोटेक्ट की जाए, क्योंकि पावरफुल आता है हमसे छीन के चला जाता है, हाउ टू डू इट. सो सम पीपल गॉट एन आइडिया एंड दे कन्विंस अदर्स दैट लेट्स, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, इन ऑर्डर टू हैव दिस यू नो ऑर्डर इन सोसाइटी, लेट्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट. आपस में कुछ रूल्स तय करते हैं, लेट्स एग्री टू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो disillusioned by the violence and uncertainty of state of nature, the people entered into a contract. Contract kiya logon ne, kiske sath kiya? With each other. They got together, aapne kaha wo ek jagah pe baithe, they sat in a place and they entered into a contract. Ek contract kar liya. Aur contract mein, in that contract, they spoke it. Written nahi hai. They spoke a contract, a verbal contract. अच्छा अब पेपर में आप कॉन्ट्रैक्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स लिख सकते हैं बट इट विल बी डिफिकल्ट, इट्स एन ओरल, यस आप लिख सकते हैं बट मुश्किल हो जाएगा, मुझे उसके अल्फाज एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड नहीं आते. सो आप उसको एक रीफ्रेज करके एक जनरल आइडिया दे सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हॉब्स, अब मैं रीफ्रेज करूं उसके आइडियाज को. अब आप एक सवाल आया है जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे सवाल जवाब दे दें ताकि हम आगे चलें. ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, हॉब्स के जमाने में या एंशियंट टाइम्स पे, अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग?
एंशंट टाइम्स पे, मैं स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहा हूँ, जब दुनिया में नए नए इंसान आए थे तारीख में, एंशंट टाइम्स पे, आपके जमाने में नहीं आया था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी एग्जैक्टली, बिल्कुल स्टार्ट की बात हो रही है। तो लोगों ने एक पुराने जमाने कदीम में एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, उन कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने बोला, कॉन्ट्रैक्ट एक जगह इकट्ठे होकर, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था उसके वर्डिंग में रिफ्रेस करूं। अब वो फर्स्ट पर्सन के सबसे मैं करूंगा, आप उसको जिस पर्सन में मर्जी आप ले जाए। द पीपल सैट एट अ प्लेस एंड दे सैड वी सरेंडर, दे एग्रीड टू सरेंडर ऑल देयर राइट्स। उनके वर्ड्स अगर मैं कहूं, आई सरेंडर ऑल माई राइट्स, एवरीबडी इज स्पीकिंग दिस थिंग, आई सरेंडर ऑल माई राइट्स टू दिस मैन और असेंबली ऑफ मैन, मैं अपने तमाम इख्तियारात, ऑल द राइट्स ओवर माई सेल्फ, मेरे ऊपर तमाम इख्तियारात, आई सरेंडर इट टू दिस मैन, एक बंदे की तरफ इशारा किया, एंड द असेंबली ऑफ मैन हु शैल गवर्न मी, हु शैल हैव ऑल द राइट्स ऑन मी। मैं फिर भी कहूं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ये रीफ्रेजिंग कर रहा हूं मैं उस आइडिया की। द पीपल स्पोक द कॉन्ट्रैक्ट, each one is speaking and said, I agree, I surrender, I give up all my rights to this man or assembly of men. Who is that man, by the way? That man was considered to be, Hobbes ke bakol, he, that man was the most powerful among them. Agar ek aadmi nahi tha, to kuch log the, and they were having a lot of power, a collective power. So a council, a group, and or a one particular person. They surrender all their rights to that man. उसके कदमों में गिर गए, आप जैसा कहेंगे हम आपकी बात को फॉलो करेंगे। All our rights were surrendered to him. And they thought that in this way they can bring certainty. Is it clear जी? ये वाला point clear? ये इमेजिनेशन कर रहा है, इसको कैसे पता चला वैसे लाइक ट्राइव जैसे ही कह लें, ये अज्यूम कर रहे कैसा हुआ होगा सर, ये सब उसकी स्पेकुलेशन है, अजम्पशन है, सॉर्ट ऑफ, दैट्स ट्रू। अच्छा, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पोकन, लेट्स सी फीचर्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। फीचर्स क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के, इस कॉन्ट्रैक्ट का इंपैक्ट क्या निकला, इसकी इंप्लीकेशन क्या निकली, इसके फीचर्स क्या है दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसकी थ्योरी का कंक्लूजन है सारा। दिस कॉन्ट्रैक्ट created state. This contract created state. How? Love state है ही नहीं, फिर कैसे बनी? आपने एक बेसिक आइडिया जो सबने पढ़ा होगा, स्टेट के चार एलिमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन, बताएंगे, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। तीन चार मेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको सॉवरेंटी कहते हैं अमीर हमजा, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। पॉपुलेशन होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए, टेरिटरी यानी यहां पे रह सकें, गवर्नमेंट यानी गवर्न कर सकें, सॉवरेंटी। अब सॉवरेंटी किसे कहते हैं? सॉवरेंटी मीन्स जिसके पास मुकम्मल इख्तियार हो, द वन हु हैज ऑल द पावर्स, दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। जिसके पास इख्तियार होता है उसको सॉवरेन कहते हैं, और उस इख्तियार को हम सॉवरेंटी कहते हैं। सो सॉवरेंटी इज द टोटल कंप्लीट अथॉरिटी, इट्स नॉट टाइटल, इंटेग्रिटी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इंटेग्रिटी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सॉवरेंटी मींस जिसके ऊपर मुकम्मल इख्तियार हो। अच्छा, मैं इसको बड़े आसान लफ्जों में आपको ये बात कहूँ, आपके घर में कभी ऐसा नहीं होता दैट कोई कभी कोई फैसला करना हो, एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है, समबडी हु हैज द अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट अथॉरिटी, कोई भी हो सकता है, यू नो, मदर, फादर, बहन, भाई, दादा, मामा, फूफो, कोई भी हो सकता है, एनीबडी, द वन हु टेक्स द फाइनल डिसीजंस, नॉट जस्ट द डिसीजंस, फाइनल डिसीजंस। छोटे मोटे डिसीजन तो आप भी कर लेते होंगे, बट फाइनल अथॉरिटी ऑन मेजर डिसीजंस इज टेकन बाय द सॉवरेन, उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, यूजुअली फादर्स होते हैं। स्टेट के अंदर भी देयर हैज टू बी समबडी हु टेक्स द फाइनल डिसीजंस, द मेजर डिसीजंस आर नॉट टेकन विदाउट इट्स कंसेंट। सो एक स्टेट में, स्टेट बन गई, और क्यों बन गई? बिकॉज ए स्टेट में एक सावरन बन गया। कौन है सावरन? मैं अगले पॉइंट में लिखने लगा हूं, सावरन, हु इज सावरन इन इट? यस,
that man or assembly of men. According to Hobbes, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, a man, a ruler, or a council of rulers, जिसको लोगों ने अपने राइट सरेंडर कर दिए, we surrender all our rights to you. This man, or assembly of men, जिसको सरेंडर किया गया, वह अच्छा, can we say that people were sovereign in it? Obviously not. People were not sovereign. People have given up all their rights to a man. तुम हमें गवर्न करो, we will obey you in every way we could. हम हर तरह से तुम्हें obey करेंगे. So we don't want to exercise the rights. We can't manage ourselves. You govern us. Only that one ruler, one man, one monarch, or the council can be the sovereign. या एक बंदा हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं. Majority नहीं होगी, अवाम नहीं होगी. That's the idea. तो स्टेट केम इनटू बीइंग और उस स्टेट के अंदर सॉवरेंटी दे दी गई मोनार्क को. आज साथ इसी पॉइंट पे बाद में होगा पॉइंट पे. अगला पॉइंट मेरा सवाल ये है, ये जो स्टेट बनी है, अब ये सवाल गौर से जवाब दीजिएगा, इज इट अ स्टेट दैट ग्रीव ऑन इट्स ओन और इट वॉज क्रिएटेड बाय द पीपल? इट्स क्रिएटेड. जो मैन क्रिएटेड चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल? दोनों में से कौन सी टर्म यूज करते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल सेटिंग. सो स्टेट अकॉर्डिंग टू हॉब्स इज आर्टिफिशियल. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्टेट इज आर्टिफिशियल. मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है, अपनी जरूरत के लिए बनाई है. दे हैव क्रिएटेड फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. अगला पॉइंट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलैटरल मींस जी इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्टेड या पीपल कंस्ट्रक्टेड या आर्टिफिशियल, बात वही आ जाएगी. यूनिलैटरल, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें रखी गई रूलर्स के ऊपर? तो हाफ के कॉन्ट्रैक्ट को जब हम पढ़ते हैं, सो देयर आर नो कंडीशंस अटैच्ड. The ruler did not demand for the contract. The people surrendered their contract themselves. वो एक बंदे के पास गए, उसे कहा कि you should take all the power yourself. We just want to follow you. It was just a one-way submission, and therefore we call this contract a unilateral. It was a contract by the people, not demanded by the rulers. उसने demand नहीं किया था, but you gave it the right. मॉडर्न दौर में आप इलेक्शन में हिस्सा लेते, इलेक्शन में वोट डालते हैं, अगला बंदा आपके सामने आता है या आप उसके पास जाते हैं. यूजुअली थियोरेटिकल तो ये होता है, ही अप्लाइज फॉर द मेंबर, फॉर बीइंग अ मेंबर, व्हेन ही अप्लाइज तो फिर आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायलैटरल है, आप और वो दोनों शामिल है. ही डिमांड्स एंड यू प्रोवाइड. यहां पे द मोस्ट पावरफुल मैन डिड नॉट डिमांड द पावर. He was made sovereign by the people themselves, and he did not demand for it. Was it conditional or unconditional? Was it a conditional? कोई शर्त रखी गई contract में? Unilateral होगा तो unconditional ही होगा. Total power was submitted to the king. सारे इख्तियार उसको दे दिए गए. कोई शर्त नहीं है. जो मर्जी करो, we'll follow you. अगर अनकंडीशनल था तो हम इसको कहते हैं एन एब्सोल्यूट स्टेट वॉज एस्टेब्लिश, जिसमें वो स्टेट जिसमें बादशाह के पास सारे इख्तियार है. ही हैज ऑल द पावर्स इन हिमसेल्फ बिकॉज पीपल हैव सरेंडर्ड ऑल देयर राइट्स विदाउट एनी कंडीशन. आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपसे पूछूंगा, आपने जवाब देना मुझे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स हो सकता है? कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट बी रिवोक्ड? No, नहीं हो सकता. क्यों? कॉन्ट्रैक्ट तब रिवोक होता है जब उसमें कुछ कंडीशंस वायलेट हो. जब लोगों ने कोई कंडीशन ही नहीं रखी, when there was no condition, तो किस बुनियाद पे आप रिवोक करेंगे? तो हम कहते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इरिवोकेबल. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इरिवोकेबल बिकॉज इट्स यूनिलैटरल, इट्स अनकंडीशनल. एंड अब बादशाह बन गया, आपने उसे सावरन बना दिया, अब आप उसकी सावरेंटी ले नहीं सकते. यू कांट टेक अवे हिज पावर्स.
आर द काउंसलर्स पावर्स, जो भी बनेंगे सब आप उसकी पावर छीन नहीं सकते, दे आर गोइंग टू स्टे विद हिम आर विद द काउंसिल फॉर एवर, वो हमेशा के लिए उसके पास रहेंगी, यू कांट नाउ टेक इट अवे, यू हैव सबमिटेड, यू हैव सरेंडर्ड, नथिंग कम्स बैक. दिस इज वट वी कॉल हिज थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. लेट मी गिव यू वन लास्ट मिनट ऑन, इसको रिलेट करता हूँ उसकी कंडीशन से. अब हाब्स के ज़माने में पार्लियामेंट और बादशाह में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसके पास इख्तियार हो, ऐसा ही था, देयर वाज अ फियर ऑफ सिविल वॉर, दोनों में वार हो सकती है. बादशाह को सपोर्ट कर रहा था रॉयलिस्ट और उनमें हाब्स भी आया. रॉयलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे डिवाइन राइट के सेंस में, अब हाब्स ने सपोर्ट करना है लॉजिकली थ्रू थियरी, तो ही मैन्युफैक्चर दिस थियरी, ही गेव दिस थियरी, ही इमेजिन्ड दिस थियरी. मेरा सवाल यह है कि अगर बादशाह कुछ गलत भी कर रहा हो, डू पीपल हैव द राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम एज पर हिज थियरी? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन स्टेट ऑफ नेचर दे हैव सरेंडर्ड टू हिम फॉर एवर. अब आपके हाथ से बात चलेगी, अब आप रिटर्न नहीं, इट्स इरेवोकेबल, अनकंडीशनल सरेंडर, ऑल पार्ट टू द किंग. और आखिरी पॉइंट आपसे मेरा ये है, यही पॉइंट है इस पर, कि इफ ऑल पार्ट टू द किंग और आप कांट बादशाह को हटा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड में राइट टू रूल मोनार्क का है या पार्लियामेंट का है? मोनार्क का है, किंग का है, एंड ही मस्ट हैव ऑल द पावर्स. बट नाउ ही इज जस्टिफाइंग द पावर ऑफ द किंग, बट ही इज नॉट यूजिंग रिलीजन, ही इज यूजिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी टू जस्टिफाई द पावर ऑफ द किंग. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड जी, 5 मिनट हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं. आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, इंसानों की बनाई हुई चीज, मस्नूई चीज कहते हैं उसको. सवाल चैट ऊपर कीजिएगा, चैट ऊपर कीजिएगा ना सर, चैट करना. ओके, हमजा का सवाल है, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर आर नो कंडीशंस ड्यूटीज ऑन द सॉवरेन, व्हाई वुड पीपल गिव अप देयर राइट्स? हमजा, बिकॉज मैंने कहा उस वक्त स्टेट ऑफ नेचर में दे वर सो इन पैथेटिक कंडीशन, पुअर कंडीशंस, दैट दे एग्रीड टू सरेंडर टू एनीवन हु वुड गिव देम सिक्योरिटी, दैट वाज द रीजन. ही यूज्ड द वर्ड असेंबली ऑफ मेन इन हिज कॉन्ट्रैक्ट टू. यस सर, ही डिड. लेकिन जो भी हो, असेंबली ऑफ मेन से मतलब वेरी फ्यू पीपल हैं, अवाम के नुमाइंदे नहीं होंगे, पॉपुलेशन मेजोरिटी ऑफ द पीपल नहीं, व्हाइल पार्लियामेंट इंग्लैंड वाज रिप्रेजेंटिंग द पीपल. रेडिकल आइडिया क्या था जी? 2-3 सवाल आ गए उसके ऊपर. देखिए, अब आप बादशाह हो, आपको आधी दुनिया कह रही हो कि आपको खुदा ने बादशाह बनाया है, पोप भी कह रहे हो कि आपको खुदा ने राइट दिया है, और हाफ जाकर कहे खुदा ने राइट नहीं दिया, विल किंग बी हैप्पी विद दैट? ऑब्वियसली नॉट. ये वो रेडिकल आइडिया था जिसकी वजह से उसे भाग के जाना पड़ा वहां पर जाकर, क्योंकि बादशाह वॉन्टेड टू बी किंग, एंड ही वॉन्टेड टू बी किंग बाय डिवाइन राइट. जी, इरिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो पावर्स दे दी गई वो वापस नहीं आ सकती. यहां पे स्टेट इज द एंड. देखें, किंग इज स्टेट, किंग ही स्टेट है, सो स्टेट इज द एंड. स्टेट इज एब्सोल्यूट, जिसके पास पावर होती है वही एंड होता है. जी, आर इफ दैट्स ट्रू, यस, एब्सोल्यूटली किंग्स आर एग्रीड, यस. वेलकम मुनीसा, वेलकम. नो, द यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मींस पीपल हैव सरेंडर्ड देयर राइट्स टू द मोस्ट पावरफुल वन, होपिंग दैट ही विल प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड ही विल ब्रिंग सिक्योरिटी. बट दैट वाज नॉट अ कंडीशन, दैट वाज जस्ट अ होप. अमीर हमजा जी, हमारा यही मसला है, वो बच्चा को सपोर्ट भी करता है लेकिन वो साइंटिफिक बुनियाद पे करना चाह रहा है, वो थ्योरी की बुनियाद पे करना चाह रहा है, डिवाइन की बुनियाद पे नहीं करना चाह रहा. दैट्स हिज प्रॉब्लम. थ्योरी मरियम कोई भी, ये जितनी थ्योरी आप पढ़ते हैं जी, कोई अप्लाई नहीं होती, इसमें से कुछ पॉइंट्स वैलिड हो जाते हैं, बाकी थ्योरी एज अ होल कभी अप्लाई नहीं होती. यूनिलैटरल मींस
this contract was demanded by the people and not by the king. So ek party demand kar rahi thi, dusri nahi kar rahi thi, and that's why it's called unilateral. Unconditional ka matlab hai people surrendered the rights to the king without asking for any return. Uske badle mein kya chahiye? They did not put any condition ke is wajah se surrender karenge aap hamara ye kaam karoge, aisi koi shart nahi rakhi. Sir, we call this a legal sovereignty. Yes, true. Legal sovereignty. The king is the law. King executive bhi hai, law making authority bhi rakhta hai. Badshah ke paas sari powers hai na, law making ki bhi, law execution ki bhi, aur law interpretation ki bhi. Every authority is with the king. All powerful. Is it clear? Mushkil. Acha, ek chota sa mujhe feedback dijiyega. Kya political science mein aapko ratte ke bagair kya, don't you use the wisdom and all that? Yes, you know, why not? Yes, mere khayal mein aasan ho jayega, itna mushkil nahi hoga. Artificial appointee, state is artificial, people created the state, it was not grown by itself, people created it. आसान है, मुझसे नहीं है, ठीक है. यू कैन ऑलवेज राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, आइडिया वही होना चाहिए. ओके, आई गेस टाइम इज अप जी, आपकी क्लास भी होगी. जी हरीम, दैट्स ट्रू, बट अगर टर्म्स को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड सी यू इंशाल्लाह, सी यू इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है. जी हमजा, यस. Okay, Allah Hafiz, Allah Hafiz.